चैनल पर स्वागत है आपका देसी विदेशी पकवान। दोस्तों आज हम आलू और साग की बहुत बेहतरीन सब्जी बनाएंगे। आप एक बार बनाएंगे कई बार इसको बनाना पसंद करेंगे। जिसके लिए मैंने लिया है देखिए साग, इसको मैंने अच्छे से काट के धो लिया है और ऐसे ही बर्तन में रखना है गाइस, जिससे सारा पानी निथर जाए और पानी नहीं रहना चाहिए साग के अंदर, ठीक है। अब इसके साथ ही मैंने लिया है आलू, मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और उसको इस शेप में काट दिया है। देखिए हम पचमेल सब्जी बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनती है फ्रेंड्स, बनाइएगा आप जरूर। इसके साथ ही मैंने लिया है देखिए थोड़े से मटर, हरी मटर है, सर्दियों में इसे काफी पसंद किया जाता है, सादे दिन में भी लोग पसंद करते हैं इसको। हम थोड़ी सी लिए, मैंने 1 पाव मटर ली है और उसके साथ ही 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इसके साथ ही हम लेंगे बैगन, देखिए मैंने 1 मीडियम साइज का बड़ा बैगन लिया है और उसको इस शेप में काट के धुल के रखा है। देखिए काला नहीं पड़ा है बैगन, देख रहे हैं आप, धुल के रख दीजिए काला नहीं पड़ता है, अगर आप पानी में रखते हैं तो काला वैसे भी नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स हम बनाते हैं और इसके साथ ही मैंने और भी कुछ चीजें ऐड की हैं, वो हम आपको दिखाएंगे पकाते वक्त, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स 2 टमाटर आपको मीडियम साइज के लेने हैं, चलिए बनाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम कढ़ाई में बनाएंगे, कढ़ाई में सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है और अच्छे से हम इसको पका सकते हैं। चलिए मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है, तेल हमारा हो जाएगा तो इसमें 1 चम्मच हम पचफोरन डालेंगे। गाइस ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और मेरी मम्मी अक्सर बनाती थी, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो इसको टिफिन में भी ले जाया करते थे। मैं अपनी मम्मी की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ गाइस, बताइएगा जरूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अब मैं बनाती हूँ सब्जी को। देखिए फ्रेंड्स पचफोरन हमारा हो गया है और इसमें मैंने 1 मीडियम साइज की प्याज को काट के डाल दिया है। गाइस आप देख सकते हैं प्याज हमारी ब्राउन हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे टमाटर, मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, देख लीजिए आप। अब इसको हम काट लेंगे गाइस, जितना मैंने टमाटर लिया उतनी क्वांटिटी लीजिएगा क्योंकि टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए सब्जी में, ये आपके लिए टिप्स है जिससे सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। और अब देखिए हमारी प्याज जो है वो आधी पक चुकी है और सुनहरी होने के बाद ही, देखिए सुनहरी हमारी प्याज हो गई है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे चला लेंगे और उसके बाद आग को धीरा कर देंगे और मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है फ्रेंड्स, जितना मैंने बताया उतना ही डालिएगा और नमक स्वाद अनुसार लेना है। उसके बाद इसको हम चलाएंगे अच्छे से आँच तेज करके, फिर उसके बाद 2 मिनट तक धीरे आँच पे पकने देंगे टमाटर को। देखिए टमाटर जो है अच्छे से घुल गया है मसालों में, जिससे जो फ्लेवर है और बढ़ गया है और तेल हल्का हल्का छोड़ चुका है, देख सकते हैं आप। अब इसमें हम ऐड करेंगे सारी सब्जियां अपनी। गाइस आपके लिए टिप्स भी है कि पानी नहीं होना चाहिए पालक में, पालक को ऐसे बर्तन में रखिएगा काटने के बाद धुलने के बाद जिससे पानी सारा निथर जाए, और देख सकते हैं पानी नहीं है बिल्कुल भी मेरी सब्जी में। और देखिए मैंने आलू को भी अच्छे से निथार के ही डाला है। अब इसके बाद डालेंगे हरी मटर, देखिए हरी मटर में पानी बिल्कुल नहीं है। अब हम डालेंगे बैगन, देख सकते हैं आप बैगन, और इसको हम डालने के बाद आँच तेज करके सभी सब्जियों को अच्छे से चलाएंगे। चलाने के बाद देखिए कलर कितना प्यारा है फ्रेंड्स, कोई भी गेस्ट आते हैं आपके घर आप इसको बना सकते हैं या कोई ओकेजन पे भी बना सकते हैं, कोई ओकेजन है आपका तो आप बनाइए, सब्जी बहुत ही पसंद की जाएगी। अब इसको अच्छे से चलाने के बाद अब इसको ढक देंगे, 5 से 6 मिनट तक गलाएंगे और गलाने के बाद फिर खोलेंगे। और हाँ फ्रेंड्स देखिए अब इसको हम ढकेंगे, मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा फ्रेंड्स, भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखिए 6 मिनट हो चुके थे तो मैंने इसको खोला है, अगर आपकी सब्जी 5 से 6 मिनट बाद भी नहीं गलती है, कुछ कसर रहती है, तो आप उसको 3 से 4 मिनट और धीरे आंच पे छोड़ दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स अभी मेरा आलू जो है सब्जी का वो नहीं गला है और बैगन भी हल्की हल्की कसर है, देख लिया मैंने, और पानी तो छोड़ा ही है क्योंकि पालक है पानी छोड़ता है, बैगन भी पानी छोड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स अब इसको हम क्या करेंगे, 4 मिनट तक धीरे आंच पे फिर छोड़ देंगे गलने के लिए, सारी सब्जियां अच्छे से गल जाएंगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसको हम ढक देंगे धीरे आंच पे। फ्रेंड्स बहुत ही इजी रेसिपी है, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। देखिए 3 से 4 मिनट बाद मैंने इसको खोला है और आप देख सकते हैं अब मेरी सब्जियां जो हैं सारी गल चुकी हैं। अब इसको हमें क्या करना है, पानी को थोड़ा सुखाना है। गाइस आप पानी जितना मतलब सब्जी का जो सलसलापन है वो आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, मुझे जितना चाहिए था इसलिए मैंने सुखाया, मैंने 4 मिनट इसको पकाया है तेज आंच पे और सुखा दिया है। अगर आप कहीं टिफिन वगैरह में इसको ले जाना चाहते हैं तो थोड़ा और सुखा दीजिएगा जिससे पानी नहीं रहेगा।
ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, उसके फ्लेवर में कोई चेंज नहीं होता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 मिनट तक भूनने के बाद इसको उतार लिया, चूल्हा बंद कर दिया था, तेज आंच पे भूना है मैंने, और आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सब्जी बनी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट होती है सब्जी। आप बनाइए, खाइए और बताइए कैसी बनी है। मैंने इसको सर्व करते हुए आपको दिखा दिया है गाइस, बहुत अच्छी सब्जी है। लाइक करें मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, और हाँ, मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिए। बेल आइकन को गाइस प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच जाए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।